हमारी इंटेलिजेंस है वो मंदिर मान करके, जो हमारा नॉर्थ जोन का ऑर्गेनाइजर है, कोऑर्डिनेटर है, ओआईपीए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, यूनाइटेड नेशन से 92 से हमारे जो ऑर्गेनाइज है इटली बेस, वो एफिलेटेड है। तो ये मंदिर मान ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी पूरी गैदर करके, दो पेंटर इसने कल जो आशीष को पुरस्कार जो टिप्स मिला, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि भी कोई पेंट हार्डवेयर की दुकान है जिसपे नेवले का बाल का पुरस्कार मिलता है। नेवला क्या है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 2 में संरक्षित प्राणी है। कोई भी आदमी इसको अपने कब्जे में नहीं रख सकता, भारत सरकार की संपत्ति है। तो जिस दुकानदार ने इसके कब्जे साथ बरामद हुए हैं, 430 बुरस के आसपास बरामद हुए हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहां से उसने माल लिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस जैसे इसने बताया कि बिजनौर से जो रेंजर है, इसने उसके पक्के बिल भी अपने पास जब्त किए हैं, और लोकल पुलिस जो है जो दोसा वाली, इनके पास भी FIR दर्ज होनी चाहिए। जो DFO है मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ में रेंजर्स की जो भी टीम थी कि लोगों ने अच्छी कार्रवाई की। परंतु जब हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे तो हमारे कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए जो लोकल रेजिडेंट थे, एक दुकान में थे, उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, उन्होंने मेरे साथ मैंडेटरी की। मैं तो मांग करता हूं कि पुलिस कप्तान से, जो सुप्रीम पुलिस दोसा है, कि वो उस आदमी के खिलाफ लीगल कार्रवाई करे। उसमें पूरी कंप्लेन हम लिख के उसके खिलाफ भी हम देने जा रहे हैं। किस धारा के तहत इनका ये मामला है? ये धारा 2 है, 2 तो उसमें उसकी डेफिनेशन है एक्ट में, और सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में हंटिंग है उसकी वाले से, कि इसने हंटिंग किया होगा जब इसको मारा गया। 39 में भारत सरकार की संपत्ति है ये, 40 से लेकर 44 तक, 49B, उसके बाद धारा 51 में ये डेफिनेशन आती है कि इसकी पुनिशमेंट क्या होगी। सेक्शन 63 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है के नोटिफिकेशन इशू करने का। 64 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया 2003 में कि किसी के पास भी अगर कोई वाइल्ड लाइफ ट्रॉफी है उसको डिक्लेयर करे। अगर इन लोगों के पास ये कब्जे में थी जो इन्होंने व्यापार बना रखा है इसका, तो 63 में इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो लोकल, मैं समझता हूँ कि जो लोकल रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये कंपिटेंट है इसकी कार्रवाई करने के लिए, और लोकल पुलिस इसमें जो अपनी धाराएं हैं जो मैंने बताई हैं, इसके तहत FIR दर्ज होगी। जो भी इसका मालिक है और जो प्रोपराइटर है दुकान का, और जो पेंटर है राम निवास, इन दोनों तीनों आदमी इसमें अरेस्ट होंगे। इसमें राम निवास पेंटर है, ये जो पूनम सिन्हा के पास उसकी अरेस्ट हुई है, और कल जो हमने किया था, ये जो पिंकी ढाबा है, पिंकी ढाबे के साथ संजय पेंटर था, तो मेन टिप्स हमें वहां से मिले थे। और कई ऐसे ढाबे हैं जो मेरे को मालूम है कि वहां पे तीतर का मांस और सरेआम ये सांडे का तेल, ये पूरे राजस्थान में बिका हुआ है। और इसके लिए मैं गुनहगार मानता हूँ, तो चीफ वाले वार्डन है मिस्टर मल्होत्रा, वो जिम्मेवार है कि एलिफेंट पोलो की जो यहाँ पे जयपुर में एलिफेंट पोलो हुआ था, हम लोगों ने वहां भी रिट हमने रखी, हाईकोर्ट में मेरा केस चल रहा है, उसमें भी 65-70 ऐसे हाथी निकले थे कि जिनके ओनर कोई नहीं, मालिक नहीं है। और इन लोगों ने मिली भगत करके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट राजस्थान और जो हाथी की जो इनकी संस्थाएं हैं, वो हाथी सारे इन्होंने वापस इन्हीं को दे दिए। क्रूरता हाथियों पे जा रही है, उस पर भी हमारी अलग कार्रवाई चल रही है। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? मैं नरेश कादयान हूँ, चेयरमैन पीपल फॉर एनिमल हरियाणा, और भारत में रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज फॉर एनिमल प्रोटेक्शन का, और मास्टर ट्रेनर हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत सरकार। कुछ वेलफेयर